हेलो स्टूडेंट आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फिफ्थ स्टैंडर्ड जी के सब्जेक्ट जनरल नॉलेज ओके वैल्यू ऑफ लाइफ लेट योर फ्रेंड्स हमें अपने फ्रेंड्स के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए चीट यानी हम लोग चीटिंग करते हैं ना कभी कमार मस्ती में वो नहीं करना चाहिए डोंट चीट योर फ्रेंड्स चीटिंग इज वैन अ पर्सन मिस लीड यानी चीटिंग कब होता है जब हम किसी को गलत चीज़ बताते हैं किसी को कुछ गलत एक्शन देते हैं फिर हम किसी के डिस एक्टिंग डिसहोनेस्टली किसी से ईमानदारी से काम नहीं करते हैं किसी काम के लिए पर्पसली ऑन पर्पस फॉर यू चीटिंग मे हैपन एट कहाँ कहाँ ये चीटिंग हो सकती है स्कूल में एट वर्क एट होम देखो एट स्कूल एट होम और वाइल प्लेइंग स्पोर्ट गेम खेलते समय हो सकता है घर में हो सकता है स्कूल में हो सकता है मैनी टाइम एट मैनी अ टाइम वी डू नॉट रियलाइज वी आर चीटिंग और कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है या फिर हम किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं चीटिंग ऑन फ्रेंड और अ फ्रेंड इज चीटिंग ऑन अर्थ देखो अभी क्या है ये फोटोज दिए हैं आपको आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिखेगा ठीक है आपको ये स्टेटमेंट जो दिए हैं उससे मैच करना है मैच द मैच स्टेटमेंट एंड डिसाइड डिसाइड फॉर योरसेल्फ आप खुद से डिसाइड करो आपको क्या लगता है देख के और आपको लाइन ड्रॉ करना है कि पर्सन यू थिंक देंटेंस इज डिस्क्राइब और ये डिस्क्राइबिंग ये आपको कौन बता रहा है ठीक है देखो मेकिंग फन ऑफ द वे लुक ये इनफर्न कौन बना रहा है ये बोलते हैं ना ये देख कैसा दिख रहा है वो किस तरह दिख रहा है तो ये वाला ये वाला देखो दूसरे को देख के मजाक उड़ा रहा है ठीक है अभी देखो स्टैंड अप फॉर मी मतलब ये मेरे लिए खड़ा होगा तो कौन होगा जो आपके लिए खड़ा होगा ये वाला ठीक है ये सेकेंड वाला स्टैंड अप फॉर मी ठीक है बच्चों ये आपके लिए खड़ा होगा ये पर्सन ये ये फोटो को देख के ये लगता है अभी देखो हम थर्ड वाला देखेंगे कौन सा देखेंगे बच्चों थर्ड इसमें क्या है से नाइस थिंग अबाउट मी ऑल द टाइम ये हमेशा मेरे लिए अच्छा बोलता है तो ये कौन है तो ये रही ये गर्ल है ना जो ये क्या आप कर रही है वो हमेशा आपके लिए अच्छा बोल रहे तो ये थर्ड वन आप इससे लाइन क्लिक लाइन खींचोगे ठीक है बच्चों अभी फोर्थ वन फोर्थ वन में क्या है चीट वेन एवर वी प्ले गेम जब भी आप गेम खेलते हो तो ये हमेशा चीटिंग करता है तो ये फोर्थ वन हुआ ठीक है अभी फिफ्थ वन फिफ्थ वन में क्या है टॉकिंग अबाउट मी बिहाइंड माई बैक आपके पीठ के पीछे बात करता है तो ये कौन है ये वाला क्या करता है आपके पीठ के पीछे बात ये फिफ्थ वन ठीक है बच्चों अभी सिक्स वन लिसन टू मी वैन आई एम टॉकिंग जब भी आप बात करते हो ये आपको सुनता है तो ये आपका सिक्स वन जब भी आप कुछ कहते हो तो ये आपका सुनता है ठीक है ये फ्रेंड आपका सुनता है अभी सेवेंथ वन हेल्प मी वैन आई नीड हर और ही और हर ये आपकी मदद करता है जब भी आपको इसकी ज़रूरत होती है है ना तो सेवन्थ वन यहाँ आएगा ठीक है बच्चों ये ग्रीन वाला बॉय आपको दिख रहा है ये सेवेंथ वन कहाँ जाएगा यहाँ हेल्प मी वैन आई नीड हिम और हर जब भी आपको मदद चाहिए होती है वो आपकी मदद करता है तो ये आपका क्या हुआ सेवन्थ वन हुआ ठीक है अब एट वन देखेंगे नेवर वॉन्ट टू गो आउट और प्ले विथ मी एट वन में क्या है वो कभी आपके साथ बाहर नहीं जाना चाहता और खेलना नहीं चाहता तो ये है आपका एट वन ठीक है बच्चों नाइन्थ वन हेल्प मी फील बैटर वैन आई एम सैड और अपसेड ये वाला पर्सन क्या करता है आपकी मदद करता है जब भी आप उदास हो या फिर आपका मन नहीं हो खेलने का ठीक है क्या करता है आपको हेल्प करता है हेल्प में फील बैटर आपको अच्छा महसूस करवाता है जब भी आप अच्छे अच्छा फ़ील नहीं करते हो ठीक है ये आपका नाइन्थ वन हैथ मे फील बेटर वैन आई एम सैड और अपसेड ये क्या हमेशा आपको अच्छा फील करवाने की कोशिश करता है जब आप उदास हो अभी टेंथ वन इज ऑलवेज काइंड एंड रिस्पेक्टफुल टू मी ये हमेशा काइंड यानी अच्छा है और मेरी रिस्पेक्ट करता है ये है आपका टेंथ वन ठीक है वेरी गुड साउंड मी वैन आई एम रॉन्ग ये मुझे सुधारता है जब मैं गलत होता हूँ तो ये कौन है एलेवेंथ वन ये ठीक है आपको सॉल्व करता है आपको स्कोल्ड करता है आपको डांटता है स्कोल्ड मी स्कोल्ड मी वैन आई एम रॉन्ग ये मुझे मेरी गलतियों पे सुधारता है डांटता है कि आप गलत कर रहे हो उस तरह से आपको सुधारता है आपकी गलतियों पे आपको डांटता है ठीक है ये वन है अब ट्वेल्थ शेयर विद मी शेयर्स मतलब कुछ भी आपको चाहिए होगा तो ये आपकी हेल्प करती है तो ये ट्वेल्थ वन है ठीक है एक और बार देख लेंगे कौन से में कौन सा आएगा ठीक है तो देखो एक फोटो में दो तीन भी आ सकता है बच्चों ठीक है तो देखो ये फर्स्ट वाला जो फोटो है ये वाले में आपका कौन सा आंसर आएगा एक फर्स्ट वन मेक फन ऑफ मेक फन ऑफ द वे आई लुक ये क्या कर रहा है मजाक उड़ा रहा है आपके लुक पे ठीक है इसमें फर्स्ट वन भी आएगा और इसमें फोर चीट्स वैन एवर वी प्ले गेम्स ये चीटिंग करता है जब भी गेम खेलोगे तो इसमें क्या आएगा फर्स्ट एंड फोर ठीक है ये पिक्चर में अभी ये वाला ग्रीन वाला बॉय का कहाँ आएगा ग्रीन वाला ये ग्रीन वाला जो पर्सन है वो किस में आएगा तो देखो एक तो ये कहाँ आएगा फिफ्थ वन में आएगा फिफ्थ वन में ठीक है टॉक अबाउट मी बिहाइंड माई बैक ही के पीछे बात करता है फिर देखो इसमें सेवन्थ वन में भी सेवन्थ भी आएगा हेल्प मे वन आई नीड हिम और हर लेकिन ये जब भी आपको मदद चाहिए होगा तभी आपकी हेल्प भी करता है फिर देखो फिर इसमें और क्या आएगा इसमें दो आएगा फिफ्थ एंड सेवन ठीक है अभी हम नेक्स्ट पिक्चर पे जाते अभी देखो ये ब्लू वाला ये कहाँ आएगा ये आपकी बातों को सुनता है सन टू मी वैन आई एम टॉकिंग तो इसमें सिक्स वाला आपको ध्यान से सुनता है जब भी आप उससे बात करते हो ठीक है अभी देखो ये गर्ल ये गर्ल कहाँ आएगी तो पहले तो ये नाइन्थ में आएगा हेल्प मे फील बेटर ये आपको अच्छा फील कराने की कोशिश करती है जब भी आप सैड होते हो या फिर अपसेट नाइन्थ वन आएगा हेल्प मे वैन हेल्प मे फील बेटर वैन आई एम सैड और अपसेड ठीक है फिर देखो इसमें एक और आएगा इलेवेंथ वन स्को मी वैन आई एम रॉन्ग आपको डांटती है जब आप गलत कुछ करते हो ठीक है वेरी गुड अभी देखो ये वाला फोटो इसमें क्या है पहला तो देखो ये स्टैंड अपॉ मी आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा आपकी मदद करेगा फिर एट वन नेवर वॉन्ट टू गो आउट फॉर ये कभी खेलने के लिए बाहर नहीं जाना चाहेगा नेवर वॉन्ट टू गो आउट और प्ले विथ मी ये बाहर ज़्यादा जाना पसंद नहीं करता और खेलना पसंद नहीं करेगा आपके साथ ठीक है और ये देखो इसमें टेंथ वन भी आएगा इज ऑलवेज काइंड हमेशा अच्छा है और रिस्पेक्ट करता है ठीक है इज़ ऑलवेज काइंड एंड रिस्पेक्टफुल टू मी ये हमेशा आपकी का आपकी मदद करेगा आपसे अच्छे से बिहेव करेगा और आपकी रिस्पेक्ट करेगा अब ये लास्ट वन ये लास्ट गर्ल क्या है इसका थर्ड आएगा से नाइस थिंक थर्ड आएगा ठीक है इसका से नाइस थिंग्स अबाउट मी ऑल द टाइम हमेशा आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहेंगे ठीक है फिर बाद में देखो इसमें ट्वेल्व भी आएगा शेयर्स विद मी ये कुछ भी चीज़ है आपको शेयर करेगी ठीक है हो भी आपको मैच कॉलम समझ में आया और किस तरह से करना है, है ना बच्चों ठीक है वेरी गुड अभी हम दूसरा देखेंगे द हॉनेस्ट गेम अभी इसमें हॉनेस्ट गेम खेलेंगे ये हॉनेस्टली आपको आंसर देना है देखो चीटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस चीटिंग क्या होता है एक डिसहनेस्टी मतलब गलत होता है ना जो ईमानदार नहीं होता है डिसहनेस्ट होता है वो होता है चीटर ठीक है तो चीटिंग क्या होता है गलत बात होती है चीटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस प्ले दिस गेम अभी देखो ये प्ले गेम खेलेंगे हम ठीक है जस्ट राइट एच फॉर हॉनेस्ट एच किसके लेके गए हॉनेस्ट यानी ईमानदार के लिए डी फॉर डिस्ट होनेस्ट डी किसके लिए गए किस जो ईमानदार नहीं है ये देखो ये बबल्स दिए गए हैं उसमें आपने को लिखना है कौन सा ईमानदार है और कौन सा ईमानदार नहीं है चलो एडमिटिंग टू एडमिटिंग टू टॉकिंग इन क्लास अभी अभी आप बात क्लास में बात कर रहे हो ठीक है और आपने बोल दिया हाँ मैं बात कर रहा था मैं बात कर रही हूँ तो ये क्या हुआ ईमानदारी हुई है ना बच्चों रिटर्निंग वॉट यू बोरो आपने किसी से कुछ चीज़ ली है और वो उसको वापस कर देना तो इसमें भी आप क्या लिखोगे हॉनेस्ट एच ठीक है क्योंकि आपने अच्छा काम किया आपने लिया था वो वापस दे दिया है ना एडमिटिंग टू टॉकिंग इन क्लास आप क्लास में बात कर रहे हो आपने मान लिया हाँ मैं बात कर रहा था ऐसे नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे ऐसे बोल दोगे है ना तो क्या हुआ हॉनेस्ट हुआ फिर देखो सेकेंड वन आपने देखा आपने कुछ चीज़ किसी से बोरो की है उसको वापस देना तो वो भी अच्छी बात हुई बच्चों है ना अभी देखो थर्ड वन क्या है सीकिंग अ बिस्किट फ्रॉम द पैकेट वैन नो वन इज लुकिंग आप किसी के पैकेट में से बिस्किट ले ले हो ले रहे हो निकाल रहे हो जब कोई देख वहाँ पे एक बिस्किट का पैकेट रखा है और आपको कोई देख नहीं रहा है और तब आप बिस्किट निकाल रहे हो तो वो तो गलत बात हुआ तो क्या होगा डिसऑनेस्ट आप क्या लिखोगे डी लिखोगे ठीक है बच्चों अभी देखो फोर्थ वन टेक टैलिंग योर मदर यू ब्रोक द विंडो प्लेन आप अपनी मम्मी को आपसे गलती से कुछ खिड़की के कांच टूट गए तो आप अपनी मम्मी को सच्ची जा बता देते हो कि मुझसे वो टूट गया तो क्या होगा वो हॉनेस्ट अच्छे से आपने बता दिया है ना Fifth one saying your saying you didn't hit someone when you did आपने गलती से किसी को मार दिया और आप बोल रहे हो नहीं मैंने नहीं किया तो वो तो गलत हुआ ना आप एक्सेप्ट करना चाहिए आपको कि हाँ मैंने मारा लेकिन गलती से लग गया ऐसे भी आप बोल सकते हो लेकिन आप क्या कर रहे हो आपने कर दिया और आप नहीं बोल रहे हो आपने उसको गलती से चोट पहुँचाई और आप नहीं बोल रहे थे तो गलत हुआ तो आप इस पर क्या लगोगे डी डिस ठीक है फिफ्थ वन अब सिक्स वन गोइंग वेर यू सेट यू आर गोइंग आपने आप वहाँ जा रहे हो जहाँ आपने बोला था आप जाने वाले तो ये हॉनेस्ट हुआ ठीक है अब सेवेंथ वन सेवेंथ वन क्या है स्टीलिंग टॉफीज फ्राम अ शॉप दुकान से चॉकलेट लेना वो तो गंदी बात है तो क्या डिस हॉनेस्ट ठीक है डी लिखोगे ठीक है स्टीलिंग टॉफीज यानी शॉप में चॉकलेट रखा है आप चोरी कर रहे हो तो, तो गलत बात है ना अब एट वन कीपिंग मनी यू फाउंड लाइंग ऑन द रोड आपको रास्ते पे पैसा मिला तो आप क्या करोगे वो अपने पास रख लोगे तो वो तो गलत बात हुआ है ना बच्चों कीपिंग मनी यू फाउंड लाइंग मतलब आप रस्ते पे जा रहे हो और आपको पैसा मिला और वो आपने उठा लिया और अपने पॉकेट में पॉकेट में डाल देते तो वो तो गलत बात हुआ तो इसमें आप क्या लिखोगे डी ये डिसहॉनेस्ट हुआ टेलिंग योर मदर यू गॉट इन टू एट स्कूल आप अपनी मम्मी को बताते हो आप स्कूल में मुसीबत में पड़ गए थे तो ये ईमानदारी से आपने बताया तो क्या लिखोगे हॉनेस्ट एच ठीक है अभी टेंथ वन लुकिंग एट सम वन एल्स टेस्ट अब टेस्ट में किसी और का पेपर देखोगे तो तो गलत बात है ना तो क्या लिखोगे डी डिसऑनेस्ट चीटिंग इन गेम आप गेम खेलते समय चीटिंग करोगे तो डिसऑनेस्ट आस्किंग बिफोर बोरो कुछ भी चीज़ लेने से पहले आप किसी की परमिशन लोगे तो ये क्या होगा हॉनेस्ट एच लिखोगे ठीक है बच्चों आपको ये समझ में आया एक और बात देख लेंगे कि एच हमने किसके लिए लिखा है हॉनेस्टली लिखा है डी के लिए अगर आप किसी को पूछ रहे हो या फिर अपनी गलती मान रहे हो तो, तो अच्छी बात है हॉनेस्ट आएगा है ना जैसे कि इसमें देखो एडमिटिंग टू टॉकिंग इन क्लास आपने मान लिया कि आप बात कर रहे थे तो हॉनेस्ट आएगा फिर रिटर्निंग वॉट यू बोरो आप वो चीज़ दे रहे हो जो आपने लिया था उसमें क्या आएगा एच क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो है ना और देखो किसी कोई देखने और अपने बिस्किट उठा लो तो गलत हुआ डी लिखोगे ठीक है फिर देखो आप झूठ बोल रहे हो क्या आप कभी झूठ बोलते हो तो डिसऑनेस्ट आएगा अब सच्ची से सब बता दे रहे हो तो क्या होगा हॉनेस्ट अभी इसमें आप अपनी मम्मी को बता दे रहे हो कि आपसे गलती से खिड़की टूट गई तो क्या हुआ हॉनेस्ट हो गया एच लिखोगे आप अभी फिफ्थ वन आप आपने किसी को गलती से चोट पहुंचा दी और आप बोल रहे हो नहीं किया तो तो गलत बात है तो क्या आएगा डी आएगा है ना बच्चों वेरी गुड उसी तरह से देखो सिक्स्थ वन आपने जहाँ बोला आप वहीं जा रहे हो तो एच और आपने दुकान से चॉकलेट ले ली वो अच्छी बात है नहीं तो डी डिसऑनेस्ट फिर आपने मन आपको रस्ते में पैसा मिला और आपने खुद के पास रख लिया तो गलत है ना डिसऑनेस्ट फिर आप अपने स्कूल में जो आप मुसीबत में पड़े या अपने मम्मी को बताया तो वो क्या हुआ अच्छी बात हॉनेस्ट है ना क्योंकि आपने सब सच सच बोल दिया फिर लुक आप टेस्ट में किसी और का पेपर देख रहे तो वो क्या हुआ गलत हुआ डिसऑनेस्ट आप गेम में चीटिंग करते हो वो भी गलत हुआ है ना डिसऑनेस्ट और कुछ भी लेने से पहले आप परमिशन लेते हो तो वो क्या होता है बच्चों हॉनेस्ट ठीक है हाँ तो आपको समझ आया वेरी गुड अभी देखो क्लीन द एवर्मेंट आपको आपके एलवमेंट को साफ़ करना है ठीक है तो उसके अनुसार हम ये दूसरा एक्सरसाइज करेंगे लिस्ट आर वर्किंग हार्ड देखो अभी बहुत सारे जन हार्ड वर्क कर रहे हैं हमारे आसपास का वातावरण को साफ कर सुथरा करने के लिए तो हमको अभी देखो कुछ एग्जाम्पल दिए है उसको सॉल्व करना है और बताना है अब ये आपको देखो फोटोज दिए हैं और एक स्टेटमेंट दिया है उसको आपको बताना है कि ये एरोमैन को हेल्प साफ सफाई रखने में हेल्प कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है ये आपको बताना है तो देखो डू द फॉलोइंग चिल्ड्रन ये देखो ये जो पिक्चर में फोटोज दिए है ना ये फोटोज दिए है इसमें जो बच्चे हैं ना देखो डू द फॉलंग चिल्ड्रंस है्व द एरोमेंटल प्रॉब्लम तो ये फोटोज में जो बच्चे दिख रहे हैं वो एरामेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर रहे हैं कि नहीं वो आपको बताना है ठीक है गिव दैम सम पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन और आपको उसके अनुसार पॉइंट्स देने हैं कि वो कितना हेल्प कर रहे हैं एयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है और हमें बताना है कि वो कितने क्यों हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे कर रहे तो कितना पॉइंट हमें पॉइंट्स देना है अगर देखो एक्सीलेंट कर रहे मतलब ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे तो फाइव एनी काइंड मतलब थोड़ा बहुत कर रहे तो वन और अच्छा कंट्रीब्यूट करे तो फोर और नहीं कर रहे तो जीरो ये देखो ये पॉइंट्स इस हिसाब से आप दोगे अगर अच्छा एक्सीलेंट कंट्रीब्यूट करे तो आप क्या दोगे फाइव अगर बिल थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करे तो वन और अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे तो फोर और बिल्कुल नहीं कर रहे तो ज़ीरो चलो अभी स्टार्ट करते अभी देखो फर्स्ट पिक्चर में क्या है अमनी है अमनि ने क्या किया विंडो ओपन किया देखो अमनि ओपन विंडो कर्टन्स एंड वेन ब्लेंस ड्यूरिंग डे टाइम देखो दिन के टाइम पे उसने क्या किया खिड़की खोली पर्दा को साइड किया तो उससे क्या होगा वो नेचुरल डे लाइट को यूज़ कर पाएगी है ना उसको लाइट की ट्यूबलाइट या फिर बल्ब स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये अच्छा कर रही है ना कि ये डे लाइट यूज़ कर रही है तो इसको क्या मिलेगा फाइव पॉइंट मिलेगा कितना फाइव वेरी गुड अभी सेकेंड वन देखो विवेक है ये विवेक है हैज़ रिड्यूस इसने रिड्यूस किया मतलब कम किया द यूज़ ऑफ़ टी वी एंड म्यूज़िक सिस्टम टी वी और म्यूज़िक सिस्टम को रिड्यूस किया मतलब उसको कम यूज़ किया उसने कम यूज़ करने की कोशिश की कम से कम यूज़ करने की कोशिश की क्योंकि किसी और को परेशानी ना हो सके तो ये भी तो अच्छा ही काम कर रहा है तो इसको कितना मिलेगा बच्चों फ़ोर ठीक है क्यों क्योंकि अगर ज़्यादा ज़्यादा देखेगा ज़्यादा नॉइज़ आएगा तो किसी और को परेशानी भी हो सकती है ना अभी देखो ये वाली लड़की ड्यूरिंग विंटर ये जोया है ड्यूरिंग विंटर जोया ओवर हीट वाटर इन गीज़र ये क्या करती है विंटर के टाइम पे पानी ज़्यादा गर्म करती है लेकिन ये एलमैन को बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है तो इसमें क्या आएगा जीरो ठीक है बच्चों अभी देखो ये क्या है दीपक ये क्या है ये कौन है दीपक दीपक क्या कर रहा है यूज़ हीटर फॉर अ लॉन्ग टाइम ये ज़्यादा समय के लिए हीटर को ऑन कर रहा है ठंडी में ठीक है तो ये क्या हुआ गलत मतलब उस एर्वमेंट को कुछ हेल्प नहीं कर रहा तो ये क्या आएगा जीरो ठीक है बच्चों हम्म तो दीपक कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है एर्वोमैन को बचाने के लिए नहीं ठीक है वो ज़्यादा हीटर को यूज़ कर रहा है है ना क्या कर रहा है दीपक यूज़ हीटर फॉर अ लॉन्ग टाइम ये ज़्यादा समय के लिए यूज़ कर रहा है अपने आप को ठंडा रखने के लिए लेकिन ये एर्वमेंट को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है नहीं तो ये क्या होगा इसका जीरो ठीक है अभी देखो ये देखो अवनी आक्स हर बस ड्राइवर ये अवनी है वो अपने बस ड्राइवर को बोल रही है नॉट टू हॉन्क वेन इट इज़ नॉट नीडेड वो क्या बोल रही है जब ज़रूरत नहीं हो तो हॉर्न बजाना ज़रूरी नहीं है इससे क्या होगा किसी को हेड हो सकता है किसी को टेंशन मतलब ज़्यादा आवाज़ सुन के प्रॉब्लम हो सकता है किसी को इरीटेशन हो सकता है, है ना तो ये तो अच्छी बात कर रही है अवनी कि हॉर्न मत बजाओ किसी को तकलीफ़ हो सकती है तो इसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए फाइव ठीक है बच्चों फाइव पॉइंट्स मिल लीजिए आपको ये समझ आया देखो ये अवनी ने क्या किया पहले तो ये देखो ये फोटो में अवनी ने क्या किया खिड़की खोली और डे डे मतलब सूरज की किरणों से वो डे लाइट यूज़ कर रही है ना तो ये तो अच्छा हुआ तो इसको फाइव पॉइंट मिलेगा और ये रिड्यूस कर रहा है टी और म्यूज़िक सिस्टम के वॉइस को यूज़ करना तो इसको फोर मिलता है क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है है ना एनवायरमेंट को बचाने के लिए लेकिन ये गीज़र ज़्यादा यूज़ कर रही है तो इससे एनवायरमेंट को कुछ फ़ायदा होगा नहीं क्यों क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो ये गलत हुआ तो इसको कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है वो तो इसलिए ज़ीरो और ये देखो ये ये क्या हीटर ज़्यादा यूज़ कर रहा तो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी देखो ये हीटर ज़्यादा यूज़ कर रहा है लेकिन एरोमैन को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है वो नहीं तो इसको हम क्या देंगे ज़ीरो देंगे ठीक है इसको भी जीरो क्योंकि ये गीज़र ज़्यादा यूज़ करे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करे तो एरोमैन को कंट्रीब्यूशन हुआ से नहीं अभी देखो ये बस वाले को बोल रही है ना ड्राइवर को कि फालतू में हॉर्न मत बजाओ तो किसी को सर दर्द हो सकता है किसी को तकलीफ हो सकती है तो ये अच्छा काम कर रही है तो इसको क्या आएगा फ़ाइव ठीक है बच्चों वेरी गुड अभी देखो ये देखो विवेक क्या कर रहा है देखो विवेक डज नॉट थ्रो विवेक है ना कचरा नहीं, नहीं फेंकता है आइसक्रीम कपी स्ट्वी, स्वीट वेपर्स एंड अराउंड इट देर आर नो डस्टबिन अभी देखो यहाँ पे आजू बाजू में डस्टबिन नहीं है तो वो कचरा नहीं फेंकता है ठीक है वो कचरा नहीं फेंकता है तो जब वो डस्टबिन नहीं है तो वो कचरा नहीं फेंकता है वो क्या करता है ही जस्ट ब्रिंग दैम होम एंड थ्रो दैम इन टू द डस्टबिन वो क्या करता है जब आस पास डस्बिन नहीं दिखता है तो वो सब उठा के अपने घर पर लेके जाता है और घर पर डस्टबिन में फेंकता है तो वो तो अच्छा काम कर रहा है एयरवेंट को हेल्प कर रहा है तो उसको फाइव मिलेंगे क्यों क्योंकि उसने कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंका उसने लेके गया और डस्टबिन में ही फेंका ठीक है अभी देखो ली वाला क्या है दीपक आक्स हिज मदर नॉट टू यूज़ वॉशिंग मशीन दीपक क्या कर रहा है अपनी मम्मी को बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन मत यूज़ करो क्यों क्योंकि वॉशिंग मशीन ज़्यादा पानी को कंज्यूम करेगा तो अच्छी बात कर रहा है वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसको फोर आएगा ठीक है वेरी गुड अभी देखो जोया क्या करती है जोया गिफ्ट लेती है लेकिन वो ओवर पैक मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पैकिंग है एक पैकिंग हो तो ठीक है ये लेकिन ये तो ज़्यादा पैकिंग करवा रही है तो पेपर वेस्ट हो रहा है ना तो ये कंट्रीब्यूट करिए नहीं तो ज़ीरो आएगा अभी देखो जोया अक्सर पेरेंट्स नॉट टू तो यूज़ एसिड जोया क्या बोल रही है एसिड मत यूज़ करो जब ये वॉश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ये जो पानी वहाँ से पास आउट होता है तो वो हर अलग अलग जगह पे पास होता है वहाँ पे छोटे छोटे जो कीट आ, एनिमल्स होते हैं कीड़े होते हैं तो उनको भी नुकसान होता है ना हाँ तो उसे वाटर पॉल्यूशन भी होता है तो इसलिए हमें ज़्यादा एसिड यूज़ नहीं करना चाहिए तो ये अच्छा कर रही कंट्रीब्यूट कर रही तो इसको फोर आएगा ठीक है बच्चो अभी देखो ये दीपक दीपक क्या कर रहा है दीपक हैज़ रिक्वेस्ट रिड्यूस दीपक हैज़ रिड्यूज द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशन उसने क्या किया रिड्यूस किया घर के जो लाइट वाइट है एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशन है उसका टाइम मतलब जितना हो सके कम से कम यूज़ करना स्टार्ट किया तो उसने अच्छी चीज़ की तो क्या आएगा फोर क्योंकि उसने कंट्रीब्यूशन किया जितना हो सके कम यूज़ किया लाइट का इलेक्ट्रिसिटी का अभी देखो दूसरा अमनी ऑफ टेन आर्स अमनी क्या करती है अपने पापा को बोलती है अमनी ऑफ टेन आर्स हर फादर टू रिप्लेस वो सी एफ एल बल्ब सी एफ एल ऑफ हर रूम टू ट्यूबलाइट उस अवनी अपने पापा को क्या बोलती है सी एफ एल बल्ब है ना उसको ट्यूबलाइट से एक्सचेंज करो क्योंकि उसको सी एफ एल नहीं पसंद है तो ये तो गलत है ना इसको जीरो आएगा ये कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है सी एफ एल अच्छा होता है इससे इलेक्ट्रिसिटी बचती भी है तो ये क्या बोल रही है कि मुझे नहीं पसंद ट्यूबलाइट लगा दो तो ये गलत है इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होगी वो एनवायरमेंट को है क्लीन रखने में मदद नहीं मिलेगा ठीक है अभी देखो अभी ये क्या है विवेक डज नॉट पास विवेक डज नॉट पास ऑन ज़ ओल्ड टेक्स्ट बुक अभी विवेक के पास अपनी पुरानी टेक्स्ट बुक है और उसके देखो अभी वो फोर्थ में था अभी वो फिफ्थ में गया ठीक है तो जो फोर्थ वाली टेक्स्ट बुक है वो किसी और को नहीं दे रहा है उस जो अभी न्यू फोर्थ स्टैंडर्ड में आए वो तो गलत हुआ उसको देना चाहिए था ना वो हेल्प हो जाती उसकी तो ये ज़ीरो आएगा ये कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है अभी देखो हमने जिस तरह से पॉइंट्स दिए हैं ना सबको उसको काउंट करना है तो अवनी का देखो अवनी ने कितने काम किए उसको इधर लिखना है फिर उसका टोटल करना है फिर अवनी ने कौन सा किया फिर बाद में जोया ने क्या किया वो आप करोगे ठीक है अवनी जोया विवेक दीपक ये लोग ने कौन से कौन से काम सब ने तीन तीन काम तो का किए ठीक है तो सबका लिखोगे सबको कितने पॉइंट्स मिले हैं और उसके टोटल लिखोगे ठीक है बच्चों? वेरी गुड होप आपको ये समझ में होगा है ना बच्चों वेरी गुड अभी हम आगे करेंगे हमें क्या करना है आइडेंटिफाई द एनिमल्स हमें एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है वॉट वुल्ड यू वॉट वुल्ड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन आप देखोगे कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे देखो ईच ऑफ यॉडी पार्ट इज अडोप्टेड फॉर स्पीड ये देखो ये एस बॉडी का पार्ट हमेशा स्पीड लिए इसका सब बॉडी का पार्ट स्पीड क्ली है इट्स हार्ट लंग्स लीवर आर एक्स्ट्रा लार्ज टू कॉप विथ एन एनिमल्स नीड फॉर मैगजिम एयर ये इसके जो बॉडी पार्ट्स है उसको हेल्प करते हैं जब भी उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको एक्स एयर अंदर लेने के लिए है. फिर एनर्जी ज़्यादा तो ये कौन है चीता ठीक है बच्चो वेरी गुड फिर अभी दूसरा देखेंगे इट इज़ द लार्ज मील्टीटिंग एनिमल ये सबसे ज़्यादा मीट खाता है दैट लिव ऑन लैंड ये ज़मीन पर रहता है इट्स थिंक एंड वाटर प्रूफ फर उसका फर कैसा मोटा है और वॉटर प्रूफ है फर कूल कीपर उसको कूल कूल रखता है वार्म एनेबल इन उसको स्विम करने में हेल्प करता है बर्फ वाले पानी में तो ये कौन है ये पोलार बैर है कौन है बच्चों पोलार बैर दिस एनिमल गेट इट्स नेम फ्रॉम द ग्रिजल्ट कोल्ड इसको ग्रिजल्ट कोल्ड से उसका नाम मिला है इस ब्लंग बॉडी एनेबल इट टू सर्वाइव इन इसकी बॉडी जो है उसको ठंडी में रहने में मदद करता है तो कौन है ग्रीजल बैर ठीक है दिस एनिमल स्पेंड द लॉट्स ऑफ द था टाइम इन ट्री देखो ये ऐसा एनिमल है जो अपने ज़्यादा से तर ज्यादातर टाइम झाड़ पे रहता है पेड़ों पे रहता है ट्रीज ठीक है द स्पोर्ट कोट कॉन्फिक्रैम आर मेकिंग दैम ब्लैंड इन विच लीव्स ऑफ द ट्री ट्रीज पे है तो कौन है लेपर्ड ठीक है बच्चों अभी फिफ्थ वन देखेंगे फिफ्थ वन क्या है इट इज़ द टॉलेस्ट टॉलेस्ट है ऑफ ऑल द दीचन्स स्पीचिस रीचिंग अप उसका हाइट है फोर्टी सेवन इन हाइट इट कैन से अंडर वाटर स्टे अंडर वाटर वो पानी के अंदर रह सकता है बीस मिनट तक तो कौन है इम्प्रीज ठीक है अभी देखो द टॉलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग एनिमल ये सबसे लंबा एनिमल है दिस एनिमल कैन रन अप टू ये कितना भाग सकता है फिफ्टी सिक्स तक ठीक है इट कैन ईट और ये कितना खा सकता है थर्टी फोर के जी खा ऑफ लीव्स डे एक दिन में वो थर्टी फोर के जी लीव खाता है इट कैन डीपली ओनली स्लीप डीपली ओनली फॉर फाइव मिनट्स और ये पाँच मिनट के ही सोता है इट स्लीप्स डीपली ओनली फॉर फाइव मिनट्स पाँच मिनट के लिए ही सोता है कौन है जिराफ ठीक है बच्चों अभी देखो सेवेंथ इट इज़ अ लार्ज वाइल्ड मेम्बर डॉग of, फैमिली uh, of ये डॉग फैमिली का मेम्बर है वाइल्ड मेम्बर ठीक है इट इज़ ए सोशल एनिमल सोशल एनिमल है एंड लिव इन अ फैमिली लिव इन द फैमिली ये फैमिली के साथ रहता है तो ग्रे वुल्फ कौन है ये ग्रे वुल्फ है ठीक है बच्चों आपने देखा अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्या है फिश फिश के बारे में पढ़ेंगे कि फ़िश कौन सी फ़िश है एक्वेरियम लाइफ के बारे में देखेंगे ठीक है एक्वेरें. इसमें कौन सी कौन सी फिश के बारे में बता एक्वेटिक लाइफ देखेंगे कौन सी लाइफ देखेंगे बच्चों एक्वेटिक लाइफ होल्ड मैन अभी इसमें बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं तो हम इसको पढ़ेंगे और उसके नाम बताएंगे देखो दअ टेन आर्म्स सराउंडेड दर माउथ इनके देखो दस पैर होते हैं उसके मुँह के आसपास होते हैं एंड ऑल द आर्म्स ब्रेड स्ट्रक चिपका देखो ये है ना तो क्या है स्क्विड्स क्या है बच्चों स्क्विड्स वेरी गुड दिस इरेगुलर शेप इसका शेप है ना रेगुलर मतलब रेगुलर नहीं होता है इरेगुलर शेप होता है एनिमल हैव एन इंटरनल स्केलेटन इंटरनल स्केलेटन होता है किसका लाइम का या फिश्लाई का तो ये कौन है स्लोक् ठीक है अभी देखो थर्ड वन दिस फिश बर्ल्स ये फिश है अब इसकी बॉडी है लाइक ए बलून अपनी बॉडी को बलून के जैसा बना देता है टू स्कैर इट एनिमी इट्स एनिमी अपने दुश्मनों को डराने के लिए अपनी बॉडी को पलून की तरफ फुला देता है दिस वे द एनिमीज कैन नॉट फॉलो इट एन टायर तो इसके वजह से उसके जो दुश्मन है वो उसको खा नहीं सकते तो क्या है पफर फिश क्या बोलते हैं पफर फिश बोलते हैं क्या करता है वो अपने दुश्मन को देखता है तो अपने आप को सुझा लेता है फुगे की तरह ब्लो कर देता है ठीक है तो उसको कोई खा नहीं सके द स्केलेटन ऑफ दिस एनिमल इज इसकेयर आउटसाइड इसका देखो इसका स्केलेटन है ना बाहर साइड दिखता है उसके बॉडी पे इट में भी सॉफ्टी सॉफ्ट हो सकता है हॉर्न हो सकता है स्टॉपी हो सकता है तो कौन है क्रोला सी ओ आर ए एल ठीक है क्रोला दिस दिस राउंड एंड डायमंड शेप ये एनिमल कैसा होता है गोल होता है डायमंड शेप का होता है फिश ठीक है एंड टेल स्टिल विच आर पॉइजनस उसकी पूछ होती है ना वो पॉइजनस होती है तो क्या होता है स्टिंग ग्रीन ठीक है Sting? Sting क्या है स्टिंग रे of ऑफ ऑल फिश इन देखो इसमें सब तरह के फिश हो है कौन सा है बटरफ्लाई फिश ये देखो ये क्या है बटरफ्लाई फिश नाम है उसका बटरफ्लाई नहीं है वो दिस फिश है tail. ये फिश ऐसा है जिसके पूछ के पास उस हड्डी है ठीक है बोन है विच आर एज शार्प एज ये कितना सर्जन का जो नाइफ होता है उसकी तरह ना उसकी टेल ना शार्प है नोकेली है तो ये क्या होता है कौन सी फिश है सर्जन फिश ठीक है होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वीडियो